वैसे एक बात आई है, समझ नहीं आ रही, करूँ ना करूँ, चलो कर देता हूँ। मैं गया हज पे, तो बड़ी चीज़ें मैं उससे कर पाई, थोड़ी थोड़ी क्या कहते हैं, डीप परस्पेक्टिव ये था, स्टिलनेस। खैर वो बाद में बात करेंगे। तो मैं हज पे गया, मैं देखा लोग रो रहे हैं, कोई नवाफिल नवाफिल पढ़ रहा है, कोई रो रो के दुआएं कर रहा है। मैंने कहा यार, मैं सब जगह देखा, मैंने कहा यार तू किधर किधर का रह गया, तेरे में तो इतने है ही नहीं कि तू स्टैंड कैसे हो पाए, इतने बड़े मजमे में तू स्टैंड आउट कैसे होगा, स्टूडेंट कैसे होगा। फिर मैंने देखा, मैं बड़ा वो हो गया, मायूसी हो गया। तो मैं समझ क्या क्या तवाफ करूँ, तो सारे कर रहे हैं, रोना मुझे आता नहीं है, नफल में मैं कितने पढ़ूँ, उससे मेरे से बेहतर ही पढ़े होंगे। मैं सर सोच रहा, तो मैंने कहा एक चोर वाला निकल सकता है, वो ये है कि जो जो अच्छा कर रहा है उसके उसका तू वो बन जा, मैं वो बन जा, तो तू डायरेक्ट अल्लाह के महबूब का महबूब बन जाएगा तू वो। मतलब फिर ना मैंने थोड़ी फलाई खिदमात कर क्या बात है, रहा क्या बात है। देखिए कैसे इंसान किस तरीके से अपना अपनी तारें कनेक्ट करता है कि सर्किट पूरा हो जाए मेरा। मैं ना मेरे ना। उस्ताद हैं, वो अपना वाकया सुना रहे थे कि वो अपने उस्ताद के साथ आज उम्रे पे थे एक्चुअली। कह रहे कि वो सारा कुछ उन्हीं से सीखा था, दोनों अरब हैं, अलग दोनों अरब हैं, मगर मस्जिद नबी में जब गए तो कहते मेरे उस्ताद पीछे वाले सतून के पीछे छुपे हुए थे, सामने ही नहीं आ रहे थे, सफ में ही नहीं आ रहे। तो मैंने कहा किधर गए, ढूंढता पता चला सतून के पीछे छुपे हुए। तो मैंने कहा क्या करें, तो उन्होंने कहा मुझसे तो सामना नहीं हो रहा, मतलब उनको अपना अंदर वाला हिस्सा नजर आ रहा है, कहते मुझसे भी सामना हो गया। मैं तो भी यही सोचता हूँ, तो हशर के दिन क्या वो हदीस है ना रसूलुल्लाह की, हदीस रसूलुल्लाह की के आखिरत जब आखिरी वक्त में उसने कहा कि मुझे अपने भाई बहन बड़े याद आएंगे। हजरत उन्होंने पूछा वगैरह, उन्होंने क्या मतलब रसूल सल्लम हम आपके साथ हैं, उन्होंने कहा तुम मेरे साहबी हो, मैं साथ अपने हो भाई बहनों की बात कर रहा हूँ, मैं अपने भाई बहनों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा कौन, कहे तुम्हारे बाद जो ईमान लाएंगे। उन्होंने पूछा कितने मिलोगे आप, मिलेंगे आप मुझसे। उन्होंने कहा हाँ मैं मिलूंगा हशर के दिन, जिस जज्बे से कहा मिलूंगा उसी से मैं सोचता हूँ परेशानी से मैं क्या मुंह दिखाऊंगा रसूल सल्लम को, क्या खैर।